हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल टेक्नो राजस्थान एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आप सभी के लिए आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसका आप सभी काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो जो फाइनली है, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो रिजल्ट जारी कर दिया है, जो ऑफिशियल कट ऑफ एंड रिजल्ट जारी हो चुका है। तो अपन देखते हैं जो किसका रिजल्ट जारी हो चुका है, जो आप सभी वेट कर रहे थे। और दोस्तों, आप हमसे बोलो ऐप पर भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे वीडियो कॉलिंग पर बात कर सकते हैं और आपका किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप एक्सपर्ट के जरिए पा सकते हैं। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, rpsc.rajasthan.gov.in। ठीक है, तो जैसे आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर न्यूज सेक्शन के अंदर जाएंगे, तो कल की डेट के अंदर काफी सारे प्रेस नोट रिलीज हो रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जो काफ़ी सारी वैकेंसीज है, जिसके अंदर पदों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जो आपकी असिस्टेंट इंजीनियर है उसमें भी पोस्ट आपकी बढ़ाई गई है, जो एचएम वाली पोस्ट है हेडमास्टर वाली उसके अंदर भी पदों की संख्या को बढ़ाई गई है, एंड जो असिस्टेंट टाउन प्लानर के अंदर जो आपके आंसर की जारी कर दी गई है। ठीक है, एंड जो आपका रिजल्ट जारी हुआ है असिस्टेंट इंजीनियर का, और दोस्तों आपके भाई का यानी मेरा भी इसके अंदर प्री क्लियर हो चुका है असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम 2019 के अंदर, और मैंने बीटेक मैकेनिकल के अंदर कर रखी है, तो मेरा निकल से हो गया है। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं जो आरपीएससी ने कल रिजल्ट जारी कर दिया है असिस्टेंट इंजीनियर का, और इसकी एग्ज़ाम डेट भी चेंज हो चुकी है। ठीक है, और हो सकता है आप में से कुछ दोस्तों को पता है कि रिजल्ट आ चुका है, और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि रिजल्ट कब आएगा, अभी सुबह भी कमेंट आ रहे थे, बट उनको पता नहीं है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप सभी देख सकते हैं रिजल्ट प्रीएम्बल एंड कट ऑफ मार्क्स ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्री एग्जामिनेशन 2018, तो इसका रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, कल रिजल्ट जारी हो गया था, वो कल ही वीडियो बना देता बट थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, इसलिए नहीं बना पाया। तो आप सभी देख सकते हैं रिजल्ट आ चुका है, और आपके भाई यानी मेरा भी हो चुका है मैकेनिकल से। और दोस्तों कमेंट करके बताएगा कि आप में से किन किन दोस्तों का जो इसमें असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और आप कौन सी ब्रांच से है। मेरा बीटेक मैकेनिकल से मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं ये सिविल का रिजल्ट है, तो ये रिजल्ट आ चुका है सिविल का, और कट ऑफ भी अपन देख लेते हैं। तो सभी जो तीनों ब्रांच का आ चुका है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो आप देख लीजिए रिजल्ट आ चुका है, और आपकी एग्ज़ाम डेट भी चेंज हो चुकी है। तो आप सभी देख लीजिएगा, इस रिजल्ट की लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, और technoRajasthan.com पर भी आपको रिजल्ट अवेलेबल रहेगा, वहाँ से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो 70,000 अभ्यर्थियों ने इसके अंदर एग्ज़ाम दिया था, और जो 17,000 कैंडिडेट्स हैं उनको इसके जो मेंस एग्ज़ाम के लिए पास किया है। ठीक है, तो आप देख लीजिए रिजल्ट आ चुका है, अपन डायरेक्ट चलते हैं जो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। ठीक है, फाइल थोड़ी लंबी है इसमें, और आप में से जिन जिन दोस्तों का हुआ है उन सभी को टेक्नो राजस्थान की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है जो सहायक अभियंता सिविल की, आप जनरल की 102 पर गई है कट ऑफ। ठीक है, एंड जो डीवी की है 11.11, एंड जो एससी की कट ऑफ गई इसमें 49.3, ये एससी की कट ऑफ है, एंड जो एसटी जनरल की कट ऑफ गई है आपकी 131.94, एंड जो वुम इसमें डब्ल्यू है वुमन है शायद, तो इसकी 36 गई है, ओबीसी की 112 पे गई है, एमबीसी की 25 पे गई है। ठीक है, तो ये कट ऑफ आप सभी देख लीजिए, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है एक्स सर्विसमैन, एंड जो फिजिकल हैंडीकैप की गई है 22.22, तो ये सिविल वालों की कट ऑफ है। एंड जो आप मैकेनिकल की कट ऑफ देख सकते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जनरल की गई है आपकी 169.43, 400 में से ये मार्क्स है आपके। एंड जो वुमन की गई है 85.20, एससी की गई है 145.82, एंड जो एसटी की कट ऑफ गई है आपकी 145.22, ओबीसी की कट ऑफ गई है 197.86, एंड जो ओबीसी वुमन की कट ऑफ गई है आपकी 139.29, एंड जो एमबीसी की कट ऑफ गई है 115.07। तो ये कट ऑफ आ चुकी है, और जो सहायक अभियंता की निकली थी पंचायती राज विभाग के अंदर, उसमें जनरल की गई है 111.80, और वुमन की गई है 51.07, एंड एसटी की कट ऑफ गई है 130.56, एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए जो 21.37 गई है। तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम डेट इसकी चेंज हो चुकी है, पिछली बार इसकी जो आपकी एग्ज़ाम डेट थी वो सितंबर के अंदर थी, सॉरी जो आपकी अगस्त के अंदर थी,
तो उसको चेंज कर दिया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है। आप सभी मुझसे काफ़ी टाइम से कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसकी एग्ज़ाम डेट चेंज होगी या नहीं होगी, तो मैंने कहा था कि एग्ज़ाम डेट इसकी पहले ही चेंज होगी, ठीक है। तो आपकी एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुकी है और अब आपका इसका एग्ज़ाम है जो 10वें महीने में रहने वाला है, यानी अक्टूबर के अंदर होगा आपका। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आप इसका एग्ज़ाम चलेगा। पहले इसकी जो 19 अगस्त से 23 अगस्त की एग्ज़ाम डेट, तो वो कैंसिल हो चुकी है, एक्सटेंड हो चुका आपकी। तो सभी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि जो आपकी न्यू एग्ज़ाम डेट है 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक आपका एग्ज़ाम रहने वाला है, ठीक है। तो इसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप सभी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी प्री का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, धन्यवाद।